हेलो दोस्तों, इजी लॉ सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पंचायती तलाक या एफिडेविट पर होने वाले तलाक वैलिड है या नहीं। तो दोस्तों, एफिडेविट पे तलाक की वर्डिंग्स लिखना, उसके बारे में अलग होने की लाइनें लिखना, क्या एक लीगली तलाक है या नहीं, पंचायत में होने वाले समझौते, अलग होने की बातें, सेटलमेंट लीगली तलाक है या नहीं, तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट जो भारत में शादी से रिलेटेड कानून गवर्न करता है, उसके अनुसार तलाक का सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों, वो है कोर्ट से तलाक की डिक्री। इसके अलावा तलाक का कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, तलाक हिंदू मैरिज एक्ट में दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला, जब दोनों स्पाउस हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दोनों की कंसेंट हो, तो उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है कोर्ट के द्वारा 6 महीने का। लेकिन एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार कूलिंग ऑफ पीरियड जो 6 महीने का है उसकी भी एग्जम्पशन है अब। और दूसरा तरीका है मुकदमा लड़के, जिसमें एक स्पाउस हस्बैंड या वाइफ चाहता है तलाक देना और दूसरा तलाक देना नहीं चाहता। तो दोस्तों, उसमें क्रुएल्टी, डिजर्शन और वेरियस ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे तलाक लिया जा सकता है। तो आज का जो वीडियो का हमारा मोटिव है कि एफिडेविट पे तलाक या पंचायत के द्वारा तलाक का समझौता कोई रास्ता नहीं है जिसमें किसी शादी का एंड हो सके। पंचायती समझौते और एफिडेविट की लिखत के बाद भी लीगली हस्बैंड वाइफ रहते हैं और एक दूसरे से जो है क्लेम और केसेस वो दायर कर सकते हैं। ये जानकारी आपको इजी लॉ सेशन से मिली है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर के साथ साथ आप अपने सजेशन और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।